हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा मां। आज मैं नई रेसिपी लेकर आई हूँ। अरबी के पत्तों के मैंने पकौड़े बनाए हैं और इसको आप सॉस के साथ, जैसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं, साथ में दही लेकर। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, गर्म गर्म ऐसे पकौड़े की तरह भी खा सकते हैं। बहुत ही गर्म भी है अभी, तो इसकी रेसिपी शेयर करूँगी आज मैं। चलो बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने अरबी के पत्ते लिए हैं, इसको मैंने अच्छे से धुल लिया है और पानी, इसकी डंडियां भी काट ली है यहाँ से। अब हम बनाना इसको शुरू करते हैं। मैंने एक कटोरी बेसन की ली है, वो डाल लेंगे एक बाउल में। और जो पत्तों के हिसाब से ले सकते हो, जितने पत्ते हैं उतना ले सकते हो। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। इसमें मैंने लहसुन और अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट बना लिया है, वो डाल दिया है। और मैंने धनिया पाउडर लिया है, आधा चम्मच हल्दी का लिया है, अजवाइन, नमक, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हो। और मैंने चाट मसाला लिया है, आप आमचूर भी डाल सकते हो। इसको मैं डालूंगी सब मसालों को। एक चम्मच मैंने मीठी सौंफ का पाउडर लिया है, मैंने इसको रोस्ट करके अच्छे से उसको क्रश कर लिया है, अच्छे से पाउडर बना लिया इसका। और थोड़ी सी हींग का पाउडर डालूंगी, सूखी एक पिंच। इसमें एक चम्मच मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा बनता है वो। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और अच्छे से इसका एक घोल तैयार करेंगे। मैंने इसको अच्छे से ऐसे घोल तैयार कर लिया है। इसको 2 मिनट के लिए हम ऐसे रेस्ट पे छोड़ेंगे। जो मैं कुकर में बना रही हूँ, तो कुकर में मैं 2 गिलास पानी के डाल दूँगी। इसमें मैंने 2 गिलास पानी के डाल दिए हैं। इसमें जाली जैसे रखती है कुकर वाली, वो उसको स्टैंड पहले नीचे, फिर हम उसको बनाना शुरू करेंगे। मैंने इसको और अच्छे से मिक्स कर लिया है, अच्छे से घोल तैयार हो गया हमारा। इसके लिए पहले मैंने जो सबसे बड़े वाला पत्ता लिया है, इसको हम ऐसे उल्टे साइड से रखेंगे। इस पर हम बेसन का घोल जो हमने बनाया है, ये लगाएंगे अच्छे से। हाथ से लगा सकते हो, हाथ से अच्छे से लग जाता है। सेकंड वाला पत्ता हम ऐसे रखेंगे, इस पर भी ऐसे लगा देंगे। बड़े पत्ते हैं, इसमें 4-4 पत्ते ही लगाऊंगी मैं। छोटे हो तो ज्यादा भी लगा सकते हो आप। इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, इसमें बेसन का घोल लगा देंगे और इधर से भी करेंगे। इससे भी फोल्ड करेंगे। ऐसे हम बना देंगे इसको। इसको बांध भी सकते हैं, लेकिन मैं बांध नहीं रही हूँ। तो ऐसे हम सारे पत्ते ऐसे 4-4 पत्तों का ऐसे बना देंगे हम। जब मैंने सारे बना लिए हैं, 3 ही बने हैं, तो इसको मैं कुकर में रख रही हूँ। गैस ऑन कर दिया है ऐसे साइड में, नीचे स्टैंड रखा है। आप स्टीमर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं कुकर में बना रही हूँ। इसको एक प्रेशर आने तक हम पकाएंगे, इसको हम एक प्रेशर आने तक पकाएंगे। उसके बाद इसको अपना ठंडा होने देंगे, फिर हम को लेंगे। ये प्रेशर आ गया है, इसको अच्छे से ठंडा भी हो गया है। अब हम इसको निकालेंगे, इसको इस तरह से निकालेंगे। ऐसे हम सारे निकाल के बाहर करेंगे। तो मैंने इनको बाहर निकाल लिया है। पहले हम ठंडा करेंगे और उसके बाद हम फ्रिज में रखेंगे, उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। ठंडा हो गया है, मैंने इसको फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। थोड़ी देर में रखा था,
इधर मैंने तेल गर्म होना रख दिया है, 2 चम्मच तेल भी गर्म हो गया है। अब इसको हम कोई भी शेप में काट सकते हैं। इसको तो सारे हम उतने जितने बना रहे हैं उतना काट लूंगी मैं। तेल हमारा गर्म हो गया है, इसको मैंने पीस में कट लिया है। इसको हम इसमें डालेंगे एक एक करके। मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ। मैंने फ्राई पैन में डाल दिए हैं, इसको हम मीडियम आंच पर पकाएंगे। एक तरफ से हो जाएंगे फिर दूसरी तरफ से पलटेंगे। तो हमारे भी बनके तैयार हो गए हैं, अरबी के पत्ते के पकौड़े भी बोल सकते हैं इसको। सब्जी भी हम इसको रोटी के साथ भी रखते हैं। तो मैंने इसको पलट पलट कर पका लिया है दोनों तरफ से। शैलो फ्राई ही किया है, आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं। मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी। हमारे अरबी के पत्ते बनके तैयार हो गए हैं पकौड़े, इसको सॉस के साथ भी कर सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।